ये है गजानन महाराज का मंदिर और बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पर रहने की व्यवस्था है और यहाँ पे आप आ सकते हैं और रह सकते हैं और लोकेशन यहाँ से बहुत अच्छी दिखाई देती है। ये पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर आश्रम है, लोग यहाँ पे घूमते हैं। ये उनका अपना मंदिर है, इस मंदिर पे आप दर्शन करिए। गजानन महाराज सेगांव बुलढाणा से थे और यहाँ पर महाराष्ट्र मन को काफ़ी माना जाता है और काफ़ी मेरी भी उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा है। जिस तरह से वो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं बहुत ही खूबसूरत, ये ऐसे पेड़ हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सुंदर मंदिर। ये हमारे पीछे पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत दिखाई दे रहा है, त्र्यंबकेश्वर जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के उद्देश्य से, दर्शन भी करना था लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और ख़ास तौर पर ये आश्रम तो हमको बहुत अच्छा लगा। कैसा फील हो रहा है? अच्छा। आश्रम के बारे में दो चार शब्द बोलो। यहाँ पर ऐसे रुकने की जगह है, बक्र निवास वन, बक्र निवास फोर, और बिल्कुल फाइव स्टार टाइप की इन्होंने फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है। हमें लोगों ने बोला कि आप यहाँ जा कर के ज़रूर देखना, तो यहाँ पे तो देखने आना ही था। और ये देखिए, ये यहाँ पे इनकी मैस है, रुकने का भी स्थान है और लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ पे आते हैं और बहुत ही सुंदर लोकेशन। और सबसे अच्छा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये देखिए, ये मैस भी है और रुकने का स्थान भी है, प्रसाद आलय बोलते हैं इसको। यहाँ पे राधा कृष्ण की सुंदर प्रतिमा है। यह है राधा कृष्ण की सुंदर प्रतिमा। रुकने की सबसे अच्छी व्यवस्था यहीं पर है, पीछे से पूरा पर्वत का व्यू आता है। और देखो यहाँ पे जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था है। ये देखिए, उनके जो लोग हैं उनकी रहने की व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा है, जनरेटर है और यहाँ से पूरी आती है पर्वत की, पर्वत का व्यू आता है पूरा। प्राइवेट संस्था है लेकिन कितने अच्छे तरीके से इन्होंने है ना मैनेज कर रखा है। नाश्ता, नाश्ता भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। हाँ। और चाय भी, चाय टेस्टी थी और चाय वाकई में टेस्टी थी। और हाँ। और पोहा बहुत बढ़िया। तुम्हारा फेवरेट? उपमा बढ़िया था। और कुछ? और कुछ क्या, यहाँ रहने का अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर धाम भी आस्था का प्रतीक है, लोग अपनी आस्था से यहाँ आते हैं।
बोल रहे थे ना यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। कहाँ देखा तुमने? वहाँ देखा, वहाँ टेकरी पे बैठे हुए, तो वहाँ पेड़ ऊपर बैठे हुए, उनकी आवाज से समझ में आ रहा था। ये देखिए इनकी किचन है, बहुत ही साफ सफाई के साथ है ना। ये देखो गैस सिलेंडर आता है, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण साथ। साफ सफाई का बहुत अच्छा ये लोग ध्यान रखते हैं, जो सबसे अच्छा लगा। मैंने कहा ये बोलना है कि घर जैसा खाना, घर जैसा रहना, फीलिंग के साथ रहिए, फीलिंग के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगा। और रहने की तो शाम को यहाँ घूमना, और ये मंदिर है तो अभी जाते हैं। प्रवासी पक्षियों की आवाज आ रही है, चलो। ये देखो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, बिल्कुल पानी को प्यूरीफाई करते हैं। और पीछे देखिए पूरा पहाड़ दिख रहा है, ये पूरा पहाड़। और ये गार्डन बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ से जो त्र्यंबकेश्वर, जो ब्रह्मगिरी ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ पहाड़ दिखती हैं। हाँ, ये देखो जो पीछे दिख रहा है ये ब्रह्मगिरी माउंटेन है। तो यहाँ की दिख रही है हमारी धर्मपत्नी है पीले कलर में। ये देखो ये पेड़ बहुत अच्छे है। थोड़ा मंदिर चलते हैं, यहाँ से पूरा ब्रह्मगिरी माउंटेन, यहाँ से पूरा ब्रह्मगिरी माउंटेन दिखता है सुंदर। ये देखिए पीछे पीछे पूरा ब्रह्मगिरी। और ये कितने अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके चीज़ें बनाई हुई हैं। जूते चप्पला इथे काड़ा, मतलब जूते चप्पल यहाँ उतारना है। और हम जा रहे हैं गजानन टेंपल की ओर। चलो ये देखो। हाँ भाई ओपिनियन देते चलो यहाँ पे। सबसे बढ़िया लगता है ब्रह्मगिरी मंदिर। देखो बादल आ रहे हैं नीचे, बहुत सुंदर। और ये मंदिर मोबाइल को यहाँ से मंदिर फोटो निकालना है, यहाँ से मना है, तो यहीं पे इनकी फ़ोटो बना देते हैं। जो गजानन धाम है वो सेगांव में है, बुंडाना में। और इनका बहुत बड़ा ट्रस्ट लगभग पूरे महाराष्ट्र में चलता है, देश का तो मैं नहीं बता सकता, पर महाराष्ट्र में पंढरपुर में भी किया था, यहाँ पर भी मैं आया हूँ, बहुत अच्छा है। और इनके अंदर फ़ोटो निकालना, बहुत ही सुंदर मंदिर। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर मंदिर, अद्भुत। ये देखिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था है।